Hi students, I am Dr. Ajay Kumar Singh, Assistant Professor, Department of Mathematics, Sri Biswanath Group of Institutions, Kalan, Sultanpur. Dear students, हम आपको आज BSc Second Year के Second Paper के बारे में पढ़ाएंगे. उससे पहले हम BSc सेकेंड ईयर गणित विषय के सिलेबस के बारे में, पेपर्स के बारे में थोड़ा आपको बताते हैं. स्टूडेंट्स, देयर आर 3 पेपर्स इन BSc सेकेंड ईयर. फर्स्ट पेपर नेम्ड एज लीनियर अलजब्रा एंड मैट्रिसेज. विच इज ऑफ मैक्सिमम मार्क्स 65. एंड सेकेंड पेपर इज डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स. इट इज ऑल्सो हैज इट्स मैक्सिमम मार्क 65. एंड द थर्ड पेपर इज मैकेनिक्स विच हैज इट्स मैक्सिमम मार्क्स 70. तो हम आपको सेकेंड पेपर के फर्स्ट पार्ट के बारे में पढ़ाएंगे. सिलेबस को शुरू करने से पहले डिफरेंशियल इक्वेशन से संबंधित सम बेसिक टर्म्स, कॉन्सेप्ट्स, डिफिनीशंस के बारे में सबसे पहले आपको हम बताएंगे. इसके बाद हम डिफरेंशियल इक्वेशन की डिफिनीशन, डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रकार और फिर उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे. उसको शुरू करने से पहले हम सबसे पहले डिफाइन करना चाहेंगे कि इक्वेशन क्या होता है, व्हाट इज इक्वेशन. एंड बिफोर दैट आई विल टेल यू समथिंग अबाउट एक्सप्रेशन. व्हाट इज एक्सप्रेशन, व्हाट डू यू नो अबाउट एक्सप्रेशन. देन वी स्टार्ट फ्रॉम एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या होता है? एनी मीनिंगफुल स्टेटमेंट इज नोन एज एक्सप्रेशन. एनी मीनिंगफुल स्टेटमेंट इज नोन एज एक्सप्रेशन या ए एनी या ए कुछ भी कह सकते हैं. एनी मीनिंगफुल स्टेटमेंट इज एन एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन को हम गणित के शब्दों में भी परिभाषित कर सकते हैं. उसमें हम लिख सकते हैं एक्सप्रेशन के बारे में, ए कॉम्बिनेशन ऑफ, ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स. इज नोन एज एज एक्सप्रेशन. दस स्टूडेंट,
एनी स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन दैट इज 2x प्लस 3y प्लस 1 कामा 2x प्लस 3 कामा ax प्लस bx प्लस c एटसेट्रा आर नोन एज एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के बारे में आप समझ गए कि एक्सप्रेशन क्या होता है। दीज ऑल आर नोन एज एक्सप्रेशन। अब हम डिफाइन करेंगे इक्वेशन। इक्वेशन, इक्वेशन की डिफिनीशन, एनी एक्सप्रेशन विथ इक्वलिटी इज नोन एज इक्वेशन। और व्हेन ए स्टेटमेंट इज इक्वल टू अनदर स्टेटमेंट, यानी एनी स्टेटमेंट हैविंग इक्वलिटी इज नोन एज एक्सप्रेशन। या हम कह सकते हैं इक्वेशन के बारे में, एन एक्सप्रेशन विथ इक्वलिटी जिसका सिंबल होता है इक्वलिटी इज नोन एज इक्वेशन फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 और ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 नाउ आर इक्वेशंस। अभी तक आपने देखा कि ये जो भी एक्सप्रेशन थे जब हम इक्वल टू समथिंग लिख दिए तो ये क्या हो गए, इक्वेशन हो गए। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट हियर शुड बी जीरो, दिस कैन बी रिटन एज इक्वल टू 2x प्लस 5y इक्वल टू 6 आर 2x इक्वल टू 6 एटसेट्रा, दीज आर नोन एज इक्वेशन। तो अब हम इक्वेशन और एक्सप्रेशन में अंतर समझ गए हैं कि कोई भी एक्सप्रेशन इक्वेशन हो जाता है अगर उसमें हम कोई इक्वलिटी सिंबल यूज कर दें तो वो इक्वेशन कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने डिफाइन किया इक्वेशन और एक्सप्रेशन को। अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आवर टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन। शॉर्ट फॉर्म में हम इसे डी डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन की डिफिनीशन या डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, कोई भी इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल्स हों या डिफरेंशियल कोफिशियंट्स हों या उसे आप डेरिवेटिव्स कहते हैं, इस प्रकार का कोई भी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। आप कह सकते हैं कि एन इक्वेशन विथ डेरिवेटिव और डेरिवेटिव्स इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में आप जानते हैं कि हम dy/dx के बारे में जानते हैं, इसको हम पढ़ चुके हैं। dy/dx के जो हम पढ़े हैं इसमें हम जानते हैं कि यहाँ y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल में होता है।
तो कहीं कहीं जो डिफिनीशन है वो डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में भी दिया गया है। तो हम आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की डिफिनीशन बताते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन की डिफिनीशन, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ए डिपेंडेंट वेरिएबल इट्स डेरिवेटिव आर डेरिवेटिव्स एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वेरिएबल आर वेरिएबल्स is known as differential equation। यहां आप देखिए, an equation involving a dependent variable, its derivatives, derivative or derivatives and independent variable or variables is known as differential equation। For example, a equation in x y dy by dx d2y by dx2 comma dot 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 equal to 0। ये जो इक्वेशन है ये किस में है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल x डिपेंडेंट वेरिएबल y and derivatives of the dependent variables। Another form of differential equations, that is differential equations, are 2x dy by dx plus 3y equal to 0 d2y by dx2 plus x dy by dx minus y equal to 0 are the examples of differential equations। There are basically two types or two kinds of differential equation named as ordinary differential equation, and partial differential equation। इसकी definition के बारे में आपको बताएं। Definition of ordinary differential equation, ordinary differential equation, a differential equation
इक्वेशन हैविंग ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल वेरिएबल इज नोन एज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां आप नोटिस करेंगे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओनली वन होना चाहिए, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल एक से अधिक हो सकते हैं। जैसे डी वाई बाई डी एक्स, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो आर एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू जीरो एटसेट्रा आर डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन डिपेंडेंट वेरिएबल, बट आल्सो देयर आर ए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग टू डिपेंडेंट एंड वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी इक्वल टू साइन टी, इट इज ऑल्सो ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन टू डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि डिफरेंशियल इक्वेशन इन वन ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ए डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वेशन हैविंग मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज नोन एज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इट इज जनरली रिटेन एज पी डी ई, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई स्क्वायर डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू फाइव जेड। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन की डिफिनीशन और उसके बेसिक जो टू टाइप्स थे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ा, उनके डिफिनीशन को हमने पढ़ा और उनके एग्जांपल्स को हमने देखा। इस प्रकार अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कई प्रकार के आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस मिलेंगे जिनका हम सलूशन निकालेंगे इन आवर
लेटर चैप्टर्स, उसके पहले हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके बारे में सम बेसिक थिंग्स और निकालनी है। वो क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनता कैसे है या हम उसे बनाएंगे कैसे। तो किसी भी ऐसे इक्वेशन से जो किसी वेरिएबल कोफिशियंट के साथ हो, दिए गए इक्वेशन में जिसमें कोई वेरिएबल कांस्टेंट हो, उस इक्वेशन और उसके डेरिवेटिव्स, जो उसके डेरिवेटिव्स के साथ इक्वेशन फाइंड किए जाएं, उनमें से वेरिएबल कोफिशियंट्स को इलिमिनेट करके हम डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ हमने बताया कि आपको कोई इक्वेशन दिया गया हो जिसमें वेरिएबल कोफिशियंट्स हों और हमें उससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, हम कैसे बनाएंगे। मान लेते हैं कि दिया गया इक्वेशन लेट y इक्वल टू r, y स्क्वायर इक्वल टू ax बी एनी गिवेन इक्वेशन। इससे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाना है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन वन। तो हमें क्या करना होता है कि हम दिए गए इक्वेशन और दिए गए इक्वेशन को हम सक्सेसिवली डिफरेंशिएट करके जो इक्वेशन मिलता है, उन इक्वेशंस और दिए गए इक्वेशंस में से जो आपका वेरिएबल कोफिशियंट होता है उसे हम क्या करते हैं, इलिमिनेट कर देते हैं, और इस प्रकार से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड हो जाता है। यहाँ क्या है, यहाँ ए इज वेरिएबल कोफिशियंट, ए इज एनी वेरिएबल कोफिशियंट। क्या करेंगे हम इसको बनाने के लिए, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन विथ रेस्पेक्ट टू यक्स, वी गेट टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए, लेट दिस बी इक्वेशन टू। इक्वेशन वन एंड टू में से हमें वेरिएबल कोफिशियंट ए को इलिमिनेट करना है। इसके लिए हम फ्रॉम इक्वेशन वन वी कैन पुट वाई स्क्वायर बाई एक्स फॉर ए, दैट इज फ्रॉम वन एंड टू वी हैव टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू टू एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, विच इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज़ द रिक्वायर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस प्रकार हमने देखा कि ये हमें सिंगल वेरिएबल कोफिशियंट के साथ दिया गया इक्वेशन था और इससे हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्मेट किया। नेक्स्ट आप दूसरा एग्जांपल देख लें फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के रिस्पेक्ट में। लेट
गिवन दैट y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x। इसको हम इक्वेशन वन मान लेते हैं और सक्सेसिवली हम क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। यहाँ हम लिखेंगे पुनः डिफ्रेंशिएटिंग वन सक्सेसिवली विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग इट वी गेट डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल टू माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स। दिस कैन बी रिटन एज इक्वल टू, माइनस कॉमन करते हैं, हियर वी गेट ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू वाई। देयरफोर वी हैव डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल टू माइनस वाई फ्रॉम इक्वेशन वन, आर डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस वाई इक्वल टू जीरो इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। इस प्रकार हम लोगों ने देखा स्टूडेंट्स कि हम किसी भी दिए गए इक्वेशन से किस प्रकार से ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन या डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्मेट कर सकते हैं, कैसे हम बना सकते हैं किसी दिए गए इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन। अगले लेक्चर में हम लोग ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके सलूशन के बारे में अध्ययन करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।